गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज अपन पढ़ेंगे साइंस। साइंस में आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था, रॉक्स एंड मिनरल्स। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी एक्सरसाइज में बी क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, ए बी सी डी। हम सबसे पहले ए करते हैं। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉक्स? तो इसमें पूछा गया है कि रॉक्स क्या होते हैं। अ रॉक इज अ सॉलिड मास ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स। तो रॉक्स कैसे होते हैं? रॉक एक सॉलिड मास है जियोलॉजिकल मटेरियल्स का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रॉक? रॉक्स के कौन कौन से टाइप के रॉक हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देयर आर 3 काइंड ऑफ रॉक्स। फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 टाइप के रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड, व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल्स कॉल्ड मैग्मा। तो अर्थ के इंटीरियर में जब हॉट मोल्टन होता है, गर्म रॉक मटेरियल होता है, उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है तब लावा में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज लावा? द मोल्टन मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनो आर कॉल्ड लावा। तो वही जो बाहर निकल गया वॉल्केनो से, उसे लावा कहा जाता है। द मोल्टन मटेरियल्स मैग्मा, मैग्मा बाहर आता है वॉल्केनो के थ्रू, तब उसे लावा कहा जाता है। कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनो आर कॉल्ड लावा। फिफ्थ, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? इसमें पूछा गया है मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। तो देखिए, हीट एंड प्रेशर ब्रिंग अबाउट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। सच चेंजेस अकर इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बोथ। दीज चेंजेस रिक्रिस्टलाइज द एग्जिस्टिंग मिनरल्स इन द रॉक्स। दीज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बने? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स को जब हाई हीट और प्रेशर में डाला, तो जब जो रॉक्स बने उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। सिक्स क्वेश्चन ये है, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म? मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर है कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई हीट और प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। सेवन क्वेश्चन है, हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड? कोल कैसे बना? तो इसका आंसर क्या होगा? डेड प्लांट्स वर बरीड इन द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द प्रेशर अबोव दीज डेड प्लांट्स चेंज्ड इनटू कोल। तो देखिए क्या हुआ, जो प्लांट्स मरे फिर वो नीचे ज़मीन के अंदर दब गए, तो बहुत टाइम हुआ, बहुत साल बाद हाई हीट और प्रेशर मिला, तो वो किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम कैसे बना? तो पेट्रोलियम भी वही बना, सेम वही तरीका था, जो स्मॉल प्लांट्स एनिमल्स मर गए कहाँ, जब वो सी के अंदर जाके मरे, तो थोड़े टाइम बाद हीट प्रेशर के बाद वो जो मरी हुई चीज़ें थी किस में चेंज हो गई? पेट्रोलियम में चेंज हो गई, क्योंकि वो पानी के अंदर मिक्स हुआ, तो पेट्रोलियम भी इसी स्टेट में होता है, तो वो पानी के अंदर मिक्स हुआ और किस में चेंज हो गया? पेट्रोलियम में। इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट बरीड अंडर द सी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड बॉडीज वर कन्वर्टेड स्लोली इंटू पेट्रोलियम। तो उनकी फिर बॉडी किस में चेंज हो गई? पेट्रोलियम में। तो इसके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इसमें आपको। फर्स्ट, डैश इज फॉर्म्ड टू वेरी क्विक कूलिंग ऑफ वॉल्केनिक लावा। तो जब वॉल्केनिक लावा जल्दी से ठंडा हो जाता है तब कौन सा रॉक बनता है? तब बनता है प्यूमाइस। सेकेंड, डैश टाइप रॉक्स आर फॉर्म्ड विद द हाई हीट एंड प्रेशर ऑन ग्रेनाइट। तो जब हीट, जो ग्रेनाइट रॉक है उसके ऊपर, उसको ऊपर ने क्या दिया? हाई हीट और प्रेशर दिया, तो वो ग्रेनाइट रॉक है दूसरा रॉक में चेंज हो जाता है। वो रॉक होता है ग्नाइस, GNEISS, और ये रॉक है कौन सी टाइप? मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है। तो हमने क्या लिखा? पहले मेटामॉर्फिक लिखा, फिर उसके ब्रैकेट में GNEISS लिखा, ग्नाइस।
थर्ड, मिनरल्स आर द डैश मटेरियल्स फाउंड इन द रॉक्स. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं. फोर्थ, पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन. पेट्रोलियम को हम कहाँ रिफाइन करते हैं? तो पेट्रोलियम जो है रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है. इसका आंसर होगा रिफाइनरीज. सी, गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें देखिए आपको फोर क्वेश्चन दे रखे हैं, फोर के एग्जाम्पल देना है. जैसे इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक के थ्री कौन कौन से एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बसाल्ट. सेडिमेंट्री रॉक के थ्री एग्जाम्पल, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल. थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें भी थ्री दे रखे हैं, स्लेट, ग्नाइस, मार्बल. फोर, मिनरल्स, मिनरल्स के भी थ्री एग्जाम्पल देने हैं, बॉक्साइट, कॉपर, डायमंड. क्वेश्चन डी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. इसमें देखिए आपको फोर डायग्राम्स दे रखे हैं, तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्टोन है, कौन सा रॉक है. तो फर्स्ट वाला कौन सा रॉक है? एस एच ए एल ई, शेल रॉक. फर्स्ट वाला शेल रॉक है, सेकेंड वाला मेटामॉर्फिक रॉक है, थर्ड वाला ग्नाइस है, फोर्थ है स्लेट. तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं या आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं. अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे.